यू आर वॉचिंग दानिशाज ब्लॉग। वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई, मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को और मैंने कर दी अपनी बहन से फरमाइश कस्टर्ड की। तो भाई देख लीजिए आप उसके हाथ का बना हुआ कस्टर्ड, और रेसिपी मैंने कर ली रिकॉर्ड ताकि अगली दफ़ा मैं बना सकूँ उस जैसा ही कस्टर्ड। यहाँ पर हमने ले लिया 1 kg मिल्क पैक, और उसके बाद हमने कर दिया फ्लेम ऑन। और जब इसमें आया बॉयल तो हमने इसमें ऐड कर दी शुगर। शुगर हमने डाली 10 tablespoons। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कम खाना है तो कम भी कर सकते हैं। फिर हमने ले लिया 1 cup ऑफ वाटर, और उसमें जो कि ठंडा था, और हमने उसके अंदर डाल दिए 2 tablespoons ऑफ वनीला कस्टर्ड, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे, रफ़ान का लिया है मैंने। और इसके बाद 2 tablespoons मैंने दोबारा ऐड किया था, क्योंकि थिकनेस के लिए अगर आपको ऐड करना हो तो आप 2 tablespoons और ऐड कर सकते हैं। फिर हमने जब शुगर इसमें डिसॉल्व हो गई तो फिर हमने इसमें डाल दिया रफ़ान का, जो ये हमने मिक्सचर बनाया था वो हमने ऐड करते गए, और हम इसको मिक्स करते गए। और फिर इसमें जो है वो जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते गए और ये पकता रहा, वैसे वैसे इसमें थिकनेस आती गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी थिकनेस की, जिस तरीके से इसमें थिकनेस आ रही है, और जितना कस्टर्ड थिक होता है उतना ही अच्छा होता है मेरे ख़्याल से। और अगर आपको कम थिक पसंद है तो आप 2 tablespoons वनीला का कस्टर्ड डालिएगा, वरना 4 tablespoons। यहाँ पे हमने चॉकलेट चिप को कर लिया क्रश, और जब हम इसके टॉपिंग करेंगे विद क्रश चॉकलेट चिप तो मज़ा आ जाएगा। और मैंगो का सीज़न है तो कस्टर्ड में मैंगो ज़रूरी हैं भाई। अगर आपको बनाना पसंद है तो आप केले भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आ गए हमारे पास कुछ केक रस, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी केक ले लीजिए जो आपको पसंद हो। फिर हमने इस पे कर दी टॉपिंग मैंगोज़ की, जो कि हमने चॉप कर लिए थे। फिर हमने ऐड कर दिया इसमें वनीला का कस्टर्ड जो हमने बना लिया था। और जब इसको खाने की बात आई तो फिर आगे आप देखते जाइए कि मेरा कमेंट क्या होता है। और इसको हमने फुल जो है वो ऊपर तक कस्टर्ड डाल दिया था, और अब हमने इसको मैंगोज़, अगर बीच में चाहें तो आप बीच में भी इसकी टॉपिंग कर, इसके जो लेयर है वो बना सकते हैं। बाकी हमने इसकी ऊपर टॉपिंग कर दी मैंगोज़ की, और उसके बाद आ गई चॉकलेट चिप की बात, जो कि हमने कर लिए थे क्रश। अब हमने इसके अंदर ऊपर टॉपिंग कर दी दोबारा से चॉकलेट क्रश की। चाहें तो आप इसके अंदर बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं, या आप चॉकलेट भी जो है वो लेयर उसकी बना सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट चिप की टॉपिंग की है। और भाई यहाँ पे हो गया हमारा कस्टर्ड तैयार। तो देखते रहिए दानिशाज ब्लॉग और सीखते रहिए कुछ न। और जब मैंने रखा इसका पहला बाइट मुंह में तो मेरे दिल से आवाज़ आई वाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सपोर्ट माई चैनल दानिशाज ब्लॉग।